स्वागत है लॉन्ग टर्म एलटीएस। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं, आप लोगों को बताते रहते हैं। और देखिए, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि जो हमने अभी रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला मुझे। और यहाँ पर कई कॉमेंट्स हैं, उनमें से एक कॉमेंट्स पर मैं ले रहा हूँ, थैंक्स एजुकेटिव, वेयर डू यू सी बॉथ बंधन एंड फर्स्ट बैंक आफ्टर 5 ईयर्स एट मोस्ट कंजर्वेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ। तो दोनों बैंकों के बारे में मुझे इन्होंने पूछा है कि 5 सालों के बाद आप कहाँ पर देखते हैं। और ज़रूर यहाँ पे अग्रवाल हेमंत कुमार साहब ने पूछा है। अब देखिए, दोनों बैंकों को मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि देख बंधन बैंक देखिए अभी जो है रिसेंटली लिस्टेड हुई है, 2015 से वो बैंकिंग में आई है, जून में इसको लाइसेंस मिला था बैंकिंग का। और IDFC जो कैपिटल फर्स्ट है, ये भी अभी दोनों रिसेंटली मर्ज हुई है मेरे कुछ महीने पहले जनवरी में। और तो अभी इनका जो पास्ट बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो करंट इनकी जो बैंकिंग सिस्टम है, जो इनके काम करने का तरीका, जो इनका मैनेजमेंट है, उसको देखकर हम लोग आगे फ्यूचर में कुछ गेस कर सकते हैं कि हाँ, ये बैंक कहाँ तक जा सकती है और किस बैंक में ज़्यादा पोटेंशियल है। तो थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने पूछा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अभी बंधन बैंक का सेपरेट एक वीडियो बना रहा हूँ, IDFC का तो मैंने बना ही दिया है, तो मुझे लगता है कि उसमें से आपको काफ़ी कुछ मिल जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हम बंधन बैंक में, मैं थोड़ी सी शुरुआत में जो इस कंपनी के बंधन बैंक के बॉस है, जो बिग बॉस है, चंद्रशेखर घोष के बारे में पहले आपको दो शब्द बताना चाहूँगा, कि आपको भी ये हो सकता मोटिवेट करे कि उन्होंने जो उनकी कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं, कि 5,000 रुपये से शुरुआत की थी, कहीं वो जॉब करते थे, फिर नौकरी उन्होंने छोड़ दी, फिर वो एक उन्होंने अपनी बंधन माइक्रो फाइनेंस कंपनी शुरुआत की। तो बंधन माइक्रो कंपनी जो है क्या करती थी कि छोटे छोटे जैसे ठेले वाले हो गए, मिठाई वाले हो गए, हालांकि उनके डैडी भी मिठाई की शॉप थी उनके डैडी के पास, उनके पिताजी के पास, और वो अपनी दुकान में ही काम करा करते थे सॉरी। तो बड़े छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हलवाई के बेटे हैं। और ये जो इनकी माइक्रो कैप फाइनेंस कंपनी थी, वो ठेले वालों को, मजदूरों को, छोटे किसानों को कर्ज दिया करती थी बिना किसी शर्त के, बिना किसी कुछ गिरवी रखे हुए। तो धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाते गए, उनको आइडिया आता गया, फिर इनके पास इतने कस्टमर्स हो गए कि करीब 67 लाख कस्टमर्स इनके बन गए, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में। तो इनके पास एक लंबी कस्टमर्स की लिस्ट बन गई, काफ़ी अच्छे कस्टमर, और बड़े अच्छे से रिलेशन रखते थे, महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, और क्योंकि महिलाएं ऑब्वियसली जुझारू होती हैं, काम करती हैं, पुरुष भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा महिलाएं क्या होती हैं कि कर्जा वर्जा लेने में बिलीव कम करती हैं, अगर लेती हैं तो समय पे चुका भी देती हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया महिलाओं को, और धीरे धीरे इन्होंने फाइनेंस कंपनी को शुरुआत में, फिर कुछ दिन बाद RBI ने कुछ बैंकों को लाइसेंस देने के लिए उन्होंने बिड निकाली कि कुछ लाइसेंस दिए जाएँ बैंकों को। तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग ने अप्लाई किया था, जिसमें बंधन भी थी। तो बंधन तो दिग्गज नहीं थी, एक छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंकिंग जो बैंक होते हैं वो तो डिपॉजिट रख सकते हैं, वो पैसा लोगों से ले सकते हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अपने पास डिपॉजिट नहीं ले सकती। तो बैंक इनको चाहिए था, क्योंकि इनके पास पैसे कमी पड़ रही थी, ये लेते कहीं दूसरी जगह से, फिर महंगे इंटरेस्ट पे फिर वो जाके अगले आदमी को देते थे, तो थोड़ा सा प्रोसेस इनको महंगा पड़ रहा था। तो इस वजह से जब बैंकिंग के लाइसेंस के लिए जब आवेदन निकले, तो इन्होंने भी अप्लाई किया। और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा सन्स, इंडिया बुल्स, रिलायंस ग्रुप, बजाज जैसी दिग्गज कंपनियाँ, और ऐसे कम से कम 25-26 लोगों ने आवेदन किया। एक दो साल तक RBI में चलता रहा, प्रोसेस चलता रहा, लेकिन फाइनली बंधन जो इसके बॉस है चंद्रशेखर घोष बाबू को ही बंधन बैंक का लाइसेंस मिला, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 67 लाख कस्टमर्स थे, और अगर किसी को दिया जाता
तो उनको समय लग जाता कस्टमर्स बनाने में, कस्टमर बेस बनाने में। इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे जो फाइनेंस जिनको ये करते थे, और बैंकिंग को क्या चाहिए, बैंक को बैंक होने के लिए यही चाहिए कि उनके पास कस्टमर बेस हो, उनके लोन अकाउंट्स हो, सेविंग अकाउंट्स हो, तो लोन अकाउंट्स के सारे कस्टमर्स इनके पास थे ही, तो इनके पास ये प्लस पॉइंट हो गया। प्लस इनका मैनेजमेंट भी देखा कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी कितने लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ ऊपर तक आया। तो फाइनली इनको जब लाइसेंस मिल गया, तो इस वजह से इस बैंक में मुझे लगता है कि इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, नीचे से ऊपर आए हैं। तो ऑब्वियसली बंधन बैंक आज जो खड़ी है इतने हजारों करोड़ की, उनकी मेहनत का नतीजा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बंधन बैंक में अभी फिलहाल क्या भाव चल रहा है। आज है 18 मार्च, मंडे है, आज मार्केट खुली है, बीएससी पे 12 बजे है और 496 रुपये इसका करंट प्राइस है। 14 रुपये की डाउन साइड पे है, 14 रुपये 20 पैसे की डाउन साइड दिखा रहा है। और इसका जो 52 वीक लो था 368 रुपये और हाई बनाया था इसने 741 रुपये। और हम बता दें कि अभी फ़िलहाल इसको एक साल भी नहीं हुए है लिस्ट हुए सेंसेक्स में, हाल ही में लिस्ट हुआ है सॉरी। और देखिए सेंटीमीटर कह रहे हैं 84% की बाई कर लीजिए, 11% कह रहे हैं कि सेल कर लीजिए और 5% कह रहे हैं कि होल्ड इट। अब इसका मार्केट कैपिटल है 59,521 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। EPS है 14 अर्निंग पर शेयर, पी है 35 की, और इंडस्ट्री पी देखिए 36 है यहाँ पे 36.778, फेस वैल्यू 10 की है अभी, और डिलीवरेबल है 37.74%। और अब इसमें हम इसके रिटर्न तो हम दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी एक और आपको मैं न्यूज़ बता दूं कि ये रिसेंट काफ़ी डाउन आया था, जो 750 से सीधे जो इसने लो बनाया था 300 समथिंग का, एक सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे फिर से 368 तक। तो इसमें एक तो पहले जो न्यूज़ थी कि ये देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है 82.28% की थी, तो RBI कहना है कि बैंक इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं रख सकता। आई थिंक मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बैंकों को कितना अलाउड है, 40 या 20 समथिंग ऐसा है। तो इनकी ज़बरदस्त होल्डिंग है देखिए 82 प्रमोटर्स की 28% है, तो इनको कहा गया कि आप अपनी होल्डिंग कम कीजिए। जब इन्होंने होल्डिंग में थोड़ा सा टाइम डिले किया तो RBI ने जो इनकी नई ब्रांचेस जो ओपन होनी थी उस पर बैन लगा दिया कि जो आप अपनी नई ब्रांच अभी ओपन नहीं कर सकते। तो रिसेंटली अभी आपने फिर न्यूज़ सुनी होगी कुछ दिन बाद कि इन्होंने ग्रह फाइनेंस, जो एक HDFC बैंक की सब्सिडियरी है, ग्रह फाइनेंस का क्या काम है, वो लोन देती है, हाउसिंग लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, इस प्रकार के वो कई लोन देती है, तो वो भी लिस्टेड है स्टॉक में, तो उसको इसने एक्वायर कर लिया। अभी मर्ज की जो खबर आई थी कि चलो मुझे लगता है कि तीन अगर ग्रह फाइनेंस के शेयर हैं तो ये नहीं सॉरी 5 शेयर ग्रह फाइनेंस के और 3 बंधन बैंक के, ऐसे कैलकुलेशन होगा जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, ऐसी खबर सुनी थी। तो उस वजह से दोनों के प्रीमियम दोनों के स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आ गए थे दूसरी न्यूज़ पे, और मुझे लगता है कि वो बाइंग का समय था, लोगों ने ख़रीदा भी होगा उस समय, और आज तो करीब 500 के आसपास चल रहा है। तो रिटर्न पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले ही इस कंपनी में पोटेंशियल क्यों ज़्यादा मुझे नज़र आता है, कि एक तो इसके पास जो है कस्टमर्स वो सारे बन गए हैं जो छोटे छोटे गांव में थे, कस्बों में थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपैंड नहीं करना पड़ा कि चलो हम नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती करें, उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया जो इनकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, तो वो सारे हो गए और उसके कस्टमर्स भी बन गए। दूसरा, इनको मेट्रो सिटीज में जो बड़े बड़े दिग्गज शहर से इनको चाहिए था कि अब यहाँ पे कैसे वो अपने घुसपैठ बनावें, कैसे अपने कस्टमर्स बनावें, तो इन्होंने जो HDFC बैंक की सब्सिडियरी ग्रह फाइनेंस थी उसको जो है मर्ज करने के लिए इन्होंने प्रोसेस कर दिया। तो अब हम ग्रह फाइनेंस के रिटर्न देखेंगे, आपको बताएंगे कि ग्रह फाइनेंस ने पिछले देखिए 10 सालों में 6,293% का रिटर्न दिया है। मतलब ग्रह फाइनेंस इतनी ज़बरदस्त फाइनेंस कंपनी थी कि इसको ये बंधन बैंक में मर्ज हो जाएगी और HDFC बैंक
जो इसकी बॉस थी ग्रह फाइनेंस की, वो जो उसको क्या चाहिए बंधन बैंक से, सिर्फ 15% की होल्डिंग चाहिए बंधन बैंक में। तो बंधन बैंक की होल्डिंग थोड़ी कम भी होगी क्योंकि आरबीआई की तरफ से उसको डंडा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ऐसे कैलकुलेशन के द्वारा ये कंपनी मर्ज होने जा रही है और फाइनली मैं बंधन बैंक भी इसलिए बहुत ही बुलिश हूँ क्योंकि आने वाले समय में ये बैंक मुझे ऐसा लग रहा है कि दिग्गज बैंक बन जाएगी। HDFC जैसे प्राइवेट सेक्टर की नंबर वन बैंक, दिग्गज बैंक ने इस पर भरोसा जताया है और उसने अपनी होम सब्सिडियरी को इसको दे के 15% की जो होल्डिंग ली है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी IDFC कैपिटल फर्स्ट से, क्योंकि देखिए बैंक अलग अलग हैं, सबका अपना अपना मैनेजमेंट है, सबसे अपना अपना काम करने का तरीका है। कौन सी बैंक 5 साल बाद कितना दे देगी, ये ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एक साल बाद हो सकता है कि मैनेजमेंट चेंज हो जाए, मैनेजमेंट इतना पावरफुल आ जाए कि उस बैंक को कहाँ से कहाँ लेके जाए। अब जो बंधन बैंक के बॉस हैं चंद्रशेखर घोष, अब क्या कोई उम्मीद करेगा कि 2001 से शुरुआत 2001-2002 से माइक्रो फाइनेंस, जहाँ से ठेले वालों को लोन छोटा छोटा 500 रुपये 1000 रुपये देते थे, आज वो बंधन बैंक जैसी बड़ी बैंक करोड़ों की, हज़ारों करोड़ों की खड़ी कर पाएगा, वो भी HDFC बैंक जैसे दिग्गज कंपनी के साथ टाई अप हो पाएगा, ग्रो होम फाइनेंस को वो एक्वायर कर पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं कह सकते कौन सी बैंक कब आगे क्या हो जाए। तो ये रही बंधन बैंक की एनालिसिस, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और स्टॉक प्राइस छोटा या बड़ा नहीं होता, देखी जाती है उस कंपनी की वैल्यू। सॉरी, मान लीजिए आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने लगाया 500 रुपये, इसका मान लीजिए भाव है बंधन बैंक का, आपने 1,00,000 रुपये के शेयर्स ले लिए। अब हो सकता है 5 सालों में ये 5 गुना हो जाए, आपके 1,00,000 जो है 5,00,000 बन गए। यहीं पे कोई 15 रुपये की या 25 रुपये की जिसकी कीमत है, स्टॉक प्राइस है जिसकी, ऐसे भी बैंक के जो 5 सालों में हो सकता है कि आपने 1,00,000 डाला, 5 साल बाद 50,000 रह जाए। तो ऐसे भी बैंक के हैं। तो डजेंट मैटर कि स्टॉक प्राइस क्या है, मैटर ये करता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कितनी ग्रोथ है ना। तो प्रीमियम पे मत जाइए आप, कंपनी के मैनेजमेंट पे, उसके प्रोडक्ट्स पे, उसकी ग्रोथ पे, एनुअली कितनी ग्रोथ है, वो सब देखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैं इसके डिटेल्स आपको नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि अभी ग्रह होम फाइनेंस का मर्जिंग चल रहा है और बहुत डेटा अभी क्लियर नहीं है और हाल ही में लिस्टेड हुई है, बट इस बैंक से हम अच्छी तरह परिचित हैं। आजकल तो मैं इसके TV में एड्स भी देखता हूँ। तो मैं बंधन बैंक में बुलिश हूँ और यस बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक के दिग्गज कंपनियाँ भाई। बाकी कुछ भी लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर सलाह ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।